फोर चैप्टर नंबर थ्री रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर वन है, मिसेज रॉय डिपॉजिटेड ₹2,01,745 इन वन बैंक एंड ₹3,38,745 इन अनदर बैंक, हाउ मच मनी डिड ही डिपॉजिट इन टोटल। मिस्टर रॉय ने 2,01,745 रुपये एक बैंक में जमा करे और ₹3,38,745 दूसरे बैंक में जमा करे, हाउ मच मनी डिड ही डिपॉजिट इन टोटल, उसने टोटल कितने रुपये जमा किए। तो क्या लिखेंगे, मिस्टर रॉय डिपॉजिटेड, फिर नीचे वाली लाइन में लिखेंगे मनी इन वन बैंक इज इक्वल्स टू मनी इन अनदर बैंक इज इक्वल्स टू मनी इन वन बैंक। फर्स्ट बैंक में कितने जमा किए, 2,01,745। अब मनी इन अनदर बैंक, दूसरे बैंक में कितने जमा किए, 3,38,745। ये डिपॉजिटेड टोटल, जहाँ पे टोटल आता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। 5 में 5 प्लस किया 10, कैरी 1 में 4 प्लस किया 5, 5 में 4 प्लस किया 9, 7 में 7 प्लस किया 14, कैरी 1, 8 में 1 प्लस किया 9, 9 में 1 प्लस किया 10, कैरी 1, 3 में 1 प्लस किया 4, 3 में 2 प्लस किया 5। तो मिस्टर रॉय डिपॉजिट, सो मिस्टर रॉय डिपॉजिट 5,40,490 रुपीज़ इन टोटल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं, रागनी स्पेंड ₹38,450 ऑन ए कंप्यूटर, ₹11,750 ऑन ए प्रिंटर एंड ₹4,570 ऑन ए डीवीडी प्लेयर, हाउ मच मनी डिड सी स्पेंड इन ऑल। रागनी ने ₹38,450 कंप्यूटर के ऊपर, एक प्रिंटर के ऊपर ₹11,750 और डीवीडी के लिए ₹4,570 खर्च किए। अब हाउ मच मनी डिड सी स्पेंड, अब उसने टोटल कितनी मनी खर्च की। क्या लिखेंगे, रागनी स्पेंड ऑन ए कंप्यूटर ₹38,450, ऑन ए प्रिंटर ₹11,750, ऑन ए डीवीडी ₹4,000। सी स्पेंड इन ऑल, क्या लिखेंगे, प्लस कर देंगे। ऑल का मतलब क्या होता है, प्लस, जीरो का जीरो, 5 में 5 प्लस किया 10, 10 में 7 प्लस किया 17, कैरी 1, 4 में 1 प्लस किया 5, 5 में 7 प्लस किया 12, 12 में 5 प्लस किया 17, कैरी 1, 8 में 1 प्लस किया 9, 9 में 1 प्लस किया 10, 10 में 4 प्लस किया 14, कैरी 1, 3 में 1 प्लस किया 4, 4 में 1 प्लस किया 5। तो कितना आया, 54,777। तो क्या लिखेंगे, सो रागनी स्पेंट इन ऑल ₹54,770। अगले क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर थ्री, इन एन एग्जामिनेशन 54,585 स्टूडेंट्स पास्ड एंड 60,786 स्टूडेंट्स फेल्ड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। एक एग्जाम में इतने स्टूडेंट्स पास हो गए और इतने स्टूडेंट्स फेल हो गए, तो कितने स्टूडेंट्स उस अपीयर हुए थे। तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास 54,585, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल, कितने स्टूडेंट फेल हो गए, 16,786। तो टोटल स्टूडेंट्स अपीयर, टोटल के लिए क्या करते हैं, प्लस, तो प्लस कर देंगे, 6 में 5 प्लस किया 11, 8 में 8 प्लस किया 16, 16 में 7 1 प्लस किया 17, कैरी 1, 7 में 5 प्लस किया 12, 12 में 1 प्लस किया 13, कैरी 1, 6 में 4 प्लस किया 10, 10 में 1 प्लस किया 11, कैरी 1, 1 में 5 प्लस किया 6, 6 में 1 प्लस किया 7। तो कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, 71,371। तो क्या लिखेंगे, सो 71,371 स्टूडेंट्स appeared in examination।